मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी है वर्कशीट नंबर 44, क्लास 9th, डेट 14/10/2020, सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी रिवीजन करी थी बल तथा गति के नियम की। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था मैंने, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे थे। तो आज हम करेंगे ऊतक। ठीक है, ये हमारा बायो का चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एनी डिफ़िकल्टीज़, एनी क्वेरीज़, यू नो दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। विभज्योतक ऊतक, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ विभाजित होती है उसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन है कि हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडीज़ में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, तो क्या पादप में भी होते हैं, तो ये हम लोग अभी जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे, कोशिक मतलब सेल वाले, ठीक, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं, जो कि जिनमें कि मतलब मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स के, बहुत सारे कोशिकाओं द्वारा जो बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है या बहुकोशिक जीव कहा जाता है। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। मतलब ये है कि हमारे घर में जैसे 5 लोग हैं, ठीक, अब हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है, कि जो जो छोटा बच्चा है उसको हम कहेंगे जा भाई पानी ले आ, ठीक, जो बड़ा है उसको कहेंगे कि आप जाओ सब्जी ले आओ, जो हमारे घर में दादी माँ है उनको कह देंगे चलो आप बैठ के सब्जी काट लो, मम्मी जो है वो बना देंगी। तो जिस तरह फैमिलीज़ में भी डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, मतलब जो बंदा, डिवीज़न मतलब बांटना, लेबर मतलब काम के हिसाब से जब हम बांट देते हैं उसको, तो उसको हम इंग्लिश में डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं, राइट। तो इसी तरह जीवों में भी सभी कोशिकाएँ अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होती, ठीक है, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भी कार्य का है जो बांटा जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। एक तरह के जो सेल्स हैं, जो एक तरह के सारी कोशिकाएं हैं, अगर उनको हम ग्रुप बनाएं तो उसको हम इंग्लिश में टिश्यू और हिंदी में ऊतक कहते हैं। ओके, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अब टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, मतलब जैसे हमारे अंग हो गए अलग अलग तरह से, नाक, कान, आँख, और जो विभिन्न अंगों के ऊतकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। अब जैसे मेरे पेट की कोशिकाएं अलग होंगी, टांग की अलग होंगी, ऑब्वियसली, ठीक है ना, जो निश्चित कार्य करती हैं, जो काम पेट कर सकता है वो टांग नहीं करेगी, जो टांग कर सकती है वो हाथ नहीं करेगा, ठीक। तो मनुष्य और पादप दोनों ही में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। ओके, तो हम लोग करेंगे अब जंतु ऊतक। जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, मतलब जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं जैसे हम लोग हो गए, उनका ज़्यादातर जो भाग होता है वो डेड नहीं होता, लिविंग होता है, और उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, भाई जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है, मतलब इनके जो सेल्स हैं उनकी जो वृद्धि है, मतलब जो ग्रोथ है वो भी एक समान होती है, मतलब इक्वल होती है, ठीक है। जो पादप ऊतक होते हैं, क्योंकि पौधे स्थिर होते हैं, वो घूमते फिरते नहीं हैं, इसलिए उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, भागने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, तो इसलिए उनके काफ़ी जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती है। आपने देखी होगी कि मतलब आप देखते हो कि पौधों की वृद्धि ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ज़्यादातर देखें ना लेटरली कम होती है, मतलब साइड से कम होती है, इनको ऊर्जा की भी आवश्यकता कम होती है, भाई काम कम तो ऊर्जा कम। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। प्लांट्स में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ को, ऐसे ऊतकों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है, हिंदी में उनको विभज्योतक ऊतक कहा जाता है, ठीक है। और स्थायी ऊतक जिनको कि परमानेंट टिश्यूज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं या पादप ऊतक होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो यू हैव टू से हिंदी में कि विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, और इंग्लिश में पूछा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। ओके, अब हम पढ़ेंगे विभज्योतक ऊतक के बारे में कि वो कैसे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो बेटा, उनकी जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित भागों में होती है, ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है, मतलब
पौधों की वृद्धि आपको मालूम है ऊपर की साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर रूट्स की साइड पे होती है। तो ऐसे इसलिए क्योंकि उनके विभाजित जो ऊतक हैं वो वहीं पर होते हैं। इस प्रकार के ऊतकों को विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ मतलब जो शीर्ष भाग में, जो लंबाई में वृद्धि करेगा, जैसे आप भी अपने सर के ऊपर से वृद्धि करते हो, ठीक है, इसको इंग्लिश में एपिकल टिश्यू कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये एपिक्स में होते हैं, टॉप में होते हैं, ठीक है। दूसरा है अंतर्विष्ट, ये आ जाती है, इसमें टहनियों का पर्व आ गए, जैसे कि भाई गन्ने की आप वो देखोगे, गन्ने के अंदर ये नोड्स होते हैं, ये देखते हो ना, ये डंडियाँ डंडियाँ सी होती हैं जहाँ पे ये पत्तियाँ उगती हैं, तो ये जो है इनको इंटर नोड्स कहा जाता है, या टहनी के पर्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, इनको इंटर कैलरी कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? इंटर कैलरी। हिंदी वालों को तो पता ही है कि अंतर्विष्ट कहा जाता है। तीसरा आ जाता है पार्श्व विभाज्योतक, ये तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण होती है, मतलब जो चौड़ाई होती है ना वो बेसिकली इसकी वजह से होती है, जिसको हम हिंदी में पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं और इंग्लिश में लेटरल टिश्यूज कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, फिर है कि विभाज्योतक ऊतक के गुण। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या क्या गुण होते हैं? पहला भाई, इनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं, मतलब दे कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट। दूसरा है, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और जो सेल वॉल वगैरह होती है या जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत दिखाई देता है, मतलब परसिस्टेंट होता है, लेकिन इनमें रसधानियाँ नहीं होती। रसधानियाँ मतलब वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है ना, ट्यूब्यूल्स नहीं होते, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कि ऊतक क्या है, ठीक है। ऊतक जो है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, ये देखो कि इन जीवों में, जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर वन, क्या हो गया? आंसर नंबर वन। अब आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो जी, जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा, इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है, ठीक है। अगर हम पादप ऊतक में आए तो पादप ऊतक स्थिर होते हैं, इसलिए उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, और इनके ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, और इनको दो में विभाजित किया जाता है, विभाज्योतक में और स्थायी में। तो ये दो दो आंसर नंबर हो गया टू। आंसर नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति बताइए। विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार ये वाले हैं भाई, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व, मतलब एपिकल, ठीक है, इंटर कैलरी और लेटरल, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर थ्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, विभाज्योतक ऊतकों के कोई दो गुण बताइए। विभाज्योतक ऊतकों के जो दो गुण हैं कि एक तो इनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, पहला, ठीक है, ये देखिए इनकी जो कोशिकाएं हैं ये निरंतर विभाजित होती रहती हैं, राइट। और दूसरा, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, और रसधानियाँ नहीं होती, ठीक है। ये था आपका आज का आंसर नंबर फोर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड डे।